سيرم زين باشا زخمية مرة ترى بايك يا لب نازوكي كيا تر كتك ريا يا آج كي بعد اس غدار کا کسی نے نام بھی لیا تو زبان کی شنگا میں قسم کھاتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہو تم بمزی کچھ کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تمہیں تمہارا یہ حال سلیبیوں نے نہیں کیا ہے کس یہ سب کیا تھا اسی غدار सलीमी जाबाजों के इज्तम से पहले हर सूरत ठिकाने लगाना होगा इसे अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ईमान सलामत है जुर्रत भी है और हम सही भी हैं सरदारी की सब खूबियां रखने वाले कुत्तों को पर एतबार है हमें और हमें यकीन है कि ये कारनामा ये बखूबी अंजाम दे सकता है जिंदा है
समझ रहे हो ना?
फरे या घोटे होने का यकीन कर लूं ताकि बाद में नुकसान ना हो। तुम्हारे सरदार बनने के बाद वही गरीब होंगे और अगर वो भी भरोसे के लायक ना हुए तो तुम्हारी मुश्किल में इजाफा हो सकता है। तो फिर तुमने क्या सोचा कुंदुक? तुम रवाना होने से पहले जिता को जरूर बताऊंगा। लेकिन पूरा सच नहीं। अच्छा तो तुम उन्हें अपना मंसूबा बताकर भड़कना चाहते हो? समझ रही है, मुझे लगता है ये भी उस सरदार के साथ जा मिली है।
तैयार हूँ आपकी। मुझे किले से बाहर जाना है। मगर फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप कहाँ जाएंगे? काई कबीले अर्थरुल को ढूंढने और एक्स को तुर्कुत की खबर देनी है। उसकी मंगेतर है वो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आ जाए अंदर। Thank you.
अहम काम सोच रखे हैं मैंने। एक बूढ़े और दरवेश को मारना तो बहुत मामूली सा काम है। हुक्म कीजिए। सुल्तान अलाउद्दीन ने गाई कबीले की हिफाजत में शाम की शहजादी का रिश्ता मांगने के लिए कारवां रवाना किया है। उसके एलची, उसका कारवां और दाई उसकी हिफाजत पर फायज उन दौड़ कोई भी जिंदा नहीं पहुंचना चाहिए टाइटस वहां। असर गहरी नींद में होगा। हम उसकी तहरीर सतर दर सतर पढ़ लेंगे। अगर उसने हमारे खिलाफ बकवास लिखी होगी तो उसकी नींद को अबदी नींद में बदल देंगे। उसके बाद तुम शाम रवाना हो जाओगी। अगर हाथ से सूरत हाल निकल जाती है तो कोई भी साजिश करके तुम कोनिया रवाना हो जाओगी और दुल्हन को महल से नहीं निकलने दोगी। Thank you.
हो जाएगा, उसके बाद देखना क्या होता है। लेकिन कैसे सामने आएगा? अर्थरूल की लाश के पास। अब खुश हो जाओ तुम। हाथ नहीं आएगा तुरंत।